हेलो फ्रेंड्स, तो हम जा रहे हैं गणगौर लेने। तो ये उदयपुर का मार्केट है और यहाँ पर हमारे भाभी जी और हम दोनों यहाँ पर गणगौर लेने आए। तो बड़ी गणगौर तो हमारी है उधर और क्या ये लकड़ी की छोटे जैसे बनती है? ईश्वर आप पार्वती ही जी बनाते हैं, हो सारी ये चीज़ पूजा मिट्टी में की रखते मिट्टी? हैं। हाँ बनवाते हो तो ये खुद, हम यहाँ पर लेने आए। आप देख पेंट भी सकते आप हो ही करते कितनी हो? सुंदर है, हाँ बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। सभी ले लेते हैं ये कैसे। इसमें ये और सारा इसके पेंट होता साथ है। ही इनके सारे कपड़े और ये सब जो है कानूड़ा और किस तरीके से पेंट कराते हैं, पूरी जो भी डिटेल है मैं इस ब्लॉग वो में अंदर दूंगी लकड़ी का आपको। सारा तो वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को स्किप ना करें और बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी इस पर। और बड़ी ये जैसे गणगौर है, देखो इसे बड़ी पूरे पैक गणगौर कर भी जाइए, पैक बहुत होकर बड़ी इसके जा रही है। मार्केट और ये आंटी जी सूरत से आती हैं और ये सारा वर्क करते हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा और बहुत ही कितनी फेमस तक होती है जगह इनकी है ये। लंबाई, इसकी सबसे पूरी ज्यादा लंबी डिटेल क्या? अभी आपको मिलेगी। तो ये बाहर का मार्केट ये है, आप चाहे तो उनके ये नंबर भी है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर बाहर ये बनी हुई है और यहाँ से हम यहाँ पे सीढ़ियों से गए और इन अंकल जी आपको पूरा डिटेल बताएंगे। हाँ मेरा नाम ललित शर्मा है, हाँ जी सन ऑफ सीएल शर्मा है, चिंदाजी शर्मा। हाँ और ये जो आप लकड़ी का जो काम देख रहे हो, मिट्टी का गणगौर भी बनता है और लकड़ी का गणगौर भी बनता है। अच्छा ये वाला जो है मिट्टी गणगौर है, इसको हाँ ईश्वर पार्वती बोलते हैं। हाँ इनके जी साथ में ये आता है थोड़ा सा स्टार के रूप में, ये हाँ गणपति का रूप है, उसको बोलते हैं कानूड़ा। हाँ कानूड़ा बोलते हैं राजस्थान लैंग्वेज में। और ये गणगौर का अब आशीष बिठा देते हैं, अपने बस आशीष सर हो और जाती। 16 दिन की सेवा पूजा होती है और हाँ जो मिट्टी की गंगा माता जी होती है उनकी ये पूजा करने के पश्चात हाँ उनको जल विसर्जन करते तो हैं। आप यहाँ से ले भी सकते हो, और उसके बाद अगर आपके लेने के बावजूद अगर कोई ख़राब हो जाए या फिर कोई हाथ वगैरह ऐसा कुछ भी हो जाए तो रिपेयरिंग भी कर देते हैं उसको। वो लकड़ी की गंगा का होता है। हाँ अगर आपको संपर्क करना हो तो मैं इनके नंबर आपको दे दूंगी इनबॉक्स में, तो आप इनसे भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा वही कलेक्शन है, ये सारा कलेक्शन है, ये सारे लकड़ी का कलेक्शन है कोई 1 फीट टोटल। का है, कोई 8 इंच का है, कोई 1.5 फीट का है, कोई हाँ 2 फीट का है, कोई 3 फीट का है। तो ये अलग अलग जो प्राइजेस होती है लकड़ी तो की आपने गंगा कहाँ की, सीखा अंकल ये काम ये सारा? पुश्तैनी काम है। अच्छा ये इनका जो काम है वो पुश्तैनी काम और है। ये सब ये मेरे दादाजी हैं, ये यहाँ से लो आप। अच्छा ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे परदादाजी हैं अच्छा और ये मेरे लड़पड़ दादाजी तो हैं। आप तो ये देख सकते हैं ये सारा काम इनका पुश्तैनी, और ऊपर भी बहुत सुंदर, ये एंटिक रूम है, बहुत बहुत पुराना, बहुत ये पुराना है। 150 साल पुराना मकान है। हाँ 150 साल पुराना है, थोड़ा पेंट भी मिक्स हो गया है। बहुत ही ये सुंदर सुंदर तस्वीरें बनी, और इनका बहुत ही बड़ा काम है यहाँ का उदयपुर में। आर्ट और हम वर्क, भी हाँ आर्ट वर्क आर्ट वर्क के। मिनिएचर पेंटिंग बनाते हैं। ओके ठीक है, धन्यवाद, ओके धन्यवाद। थैंक यू। हाँ शीतला सातम के दिन गणगौर को बिठाते हैं, इनको पूजा कर कर और 16 दिन तक इनकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर हम कपड़े लेने गए थे मार्केट से, सारी शॉपिंग की थी, साथ ही चूड़ियाँ सिंगार मिठाई और ये सारे जो तवाले जो होते हैं, जो जवारे उगाए जाते हैं वो सारे आज ही करते, तो ये सारे हम लिए। और यहाँ पर हमने ये चूड़ियाँ ली थी, ऐसे करके पूरी शॉपिंग की थी मार्केट की हमने। और इसका नेक्स्ट ब्लॉग आपको अगले ब्लॉग में मिलेगा पूरा गणगौर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।